अमेठी से है, जहां नवनियुक्त बीजेपी जिला मंत्री अतुल सिंह नेवादा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। नेवादा ने कहा कि कांग्रेस और आप दिल्ली में हिंसा भड़काने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस हिंसा का राजनीतिकरण कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जिनके हाथ सिखों के नरसंहार से रंगे हो, वे अब हिंसा रोकने की सफलता और असफलता की बात करते हैं। दिल्ली हिंसा को लेकर बीजेपी दोषारोपण करने का काम जो कांग्रेस ने किया है, उसकी हम निंदा करते हैं। बता दें कि जिला मंत्री बनाए जाने पर स्वागत समारोह के दौरान नेवादा ने ये बयान दिया है। देखिए, उन्होंने कोई दंगा भड़काने का काम नहीं किया है। दंगा भड़काने का काम वहाँ की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अन्य राजनीतिक दल कर रहे हैं। ये बताइए कि अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है, कांग्रेस मांग रही है, वो कह रही है कि ये हिंसा रोकने में असफल हो गई है बीजेपी, इस पे आपको क्या कहना है? कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है हिंसा का, और उसको पहले अपने ही क्रियामान में झांकना चाहिए। और 1984 के दंगे से लेकर तमाम ऐसे दंगे हैं जो कांग्रेस को स्वयं पहले अपने आप में आत्मचिंतन करना चाहिए। और रही बात हमारे गृह मंत्री की इस्तीफा मांगने की, तो हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी इतना सुंदर काम कर रहे हैं और जो भी माहौल बिगड़ा है उसको पूरी तरह एक प्रकार से व्यवस्थित करने में जुटे हैं, और कांग्रेस को इस्तीफा मांगने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उसने पहले भी इतने दंगे करा रखे हैं और उसके हाथ पहले से भी खून में इतने सने हैं कि उसको कोई नैतिकता के आधार पर भी उसको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है।